Hello, Sharks. Hi. आबादी 140 करोड़ लोग, यह है भारत की पॉपुलेशन। और इन 140 करोड़ लोगों में से 90 करोड़ लोग ऐसे हैं जो लो इनकम फैमिलीज, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी से आते हैं, जिनके लिए सरकार हर साल 13,000 से ज्यादा गवर्नमेंट स्कीम्स और प्रोग्राम्स बनाती है। 20 लाख करोड़, ये था पिछले साल हमारे सरकारी योजनाओं का बजट। सरकार ये योजनाएं बनाती है इन लोगों के लिए ताकि वो अपनी इकोनॉमिक और सोशल कंडीशन से ऊपर आ सके, पर आज भी ये सारी गवर्नमेंट स्कीम्स लोगों तक नहीं पहुंच पाती। इसके दो मेन रीजंस हैं। एक, या तो उनको पूरी उसकी जानकारी नहीं होती, और अगर उनको जानकारी होती भी है तो उनको लास्ट माइल तक उसकी एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंटेशन सपोर्ट नहीं मिलती। सही है। पर अब लोगों को अपना हक दिलाने आ गया है हक दर्शक। नाइस। हेलो शार्क्स, मेरा नाम है अनिकेत और मैं शिमला से हूँ। हेलो अनिकेत। और मैं हूँ फाउंडर हक दर्शक। हक दर्शक एक मोबाइल और वेब प्लेटफॉर्म है जो लोगों को अपनी स्कीम एप्लीकेशंस के बारे में, एलिजिबिलिटी के बारे में बताता है, और साथ साथ हमारी एजेंट नेटवर्क के साथ उन्हें लास्ट माइल तक उनकी सारी एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट सपोर्ट भी बताता है। हमारे पास कम से कम 25,000 से ज्यादा एजेंट्स हैं और ये 50 सेंटर्स हैं हमारे पास इंडिया में। हमने पिछले 6 साल में 25 लाख लोगों से ज्यादा को गवर्नमेंट स्कीम्स दिलाई हैं, साथ साथ 50,000 माइक्रो बिजनेसेस को भी गवर्नमेंट प्रोग्राम्स के बारे में बताया है। वेरी नाइस। ये टोटल अमाउंट 5,000 करोड़ से ज्यादा है। वाओ। हमारा एक और नया प्रोडक्ट है सिटीजंस के लिए भी, जो हमने एक QR कोड बेस्ड कार्ड निकाला है, योजना कार्ड, जो सिटीजंस को वो सारी स्कीम्स उनके मोबाइल फोन और उनके सारे एंड टू एंड एप्लीकेशन सपोर्ट भी बताता है। हमारा विजन है कि ये 90 करोड़ लोगों तक ये 20 लाख करोड़ रुपए हर साल टाइम पर पहुंचे। आज शार्क टैंक में हमारी आस्क है 1 करोड़ रुपए फॉर 0.5% इक्विटी। तो हमारी एक हक दर्शक एजेंट को मैं यहाँ बुलाना चाहता हूँ। नमस्ते शार्क्स। हाय, हेलो, मेरा नाम ज्योति मोरे है और मैं महाराष्ट्र के पालघर डिस्ट्रिक्ट के जवाहर ब्लॉक से हूँ। पालघर डिस्ट्रिक्ट 95% ट्राइबल पॉपुलेशन वाला एरिया है, जहाँ पर मैं ट्राइबल महिलाएं जो मेरे साथ एजेंट का काम करती है उनके साथ मिलकर 3-3.5 साल में 1 लाख से भी ज़्यादा लोगों तक ये सारी योजनाएँ पहुँचाई है। और क्या काम होता है आपका एजेंट का काम? सो समुदाय में जाकर हमें अवेयरनेस करना होता है कि ऐसे ऐसी स्कीम आई है जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो और ये आपके लिए है। तो मतलब आप घर घर जाते हो? घर घर या जो हमारा पंचायत डोर स्टेप डिलीवरी, डोर स्टेप डिलीवरी, या तो कम्युनिटी गैदरिंग्स करते होंगे जहाँ आप समझाते हैं लोगों को। और कितने एजेंट हैं आपके जैसे टोटल वहाँ पर? वहाँ पर मेरे 100 से भी ज्यादा है। एजेंट्स का क्या इंसेंटिव रहता है? वही, अगर एक बार हम आपको अपना ऐप का भी डेमो दिखाएं। सबसे पहले अब ज्योति आप ऐप का डेमो दिखाइए, फिर सवाल पूछेंगे। तो यहाँ पे हम फैमिली का रजिस्ट्रेशन करते हैं, जहाँ पे हम उनका इन्फॉर्मेशन लेते हैं, आप कहाँ से हो, एरिया कौन सा है, घर कैसा है, टॉयलेट है कि नहीं। तो हमारे ऐप में मिनिमम 40-45 क्वेश्चन है अलग अलग। इसके बाद ये सारा पूरा करने के बाद हमको पता चलता है कि एलिजिबल स्कीम्स। ये एवरेज रहता है क्या नॉर्मली? रूरल में 50-55, अर्बन में 35-40। तो बेसिकली आपने सबका कंबाइन करके सारे रिसोर्सेज एक ऐप में डाल दिए, एक प्लेटफॉर्म में डाल दिया कि किसी और को 10 जगह कुछ पढ़ने की जरूरत ना हो। हमने 7,500 गवर्नमेंट स्कीम्स को डिजिटाइज किया। यहाँ पे सर्विस चार्जेस जो हमारी एजेंट लेते हैं वो आती है। तो 50 रुपए किसको चार्ज जाएगा? एक कंपनी को जाएगा, एजेंट को जाएगा? एजेंट को जाता है और उसके बाद मतलब स्प्लिट हो जाता है। और आप कितना कमा पाती है महीने में? 20-25 हजार तक कमा लेते हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब ये हो गया एजेंट साइड का। अब सिटीजन साइड के लिए जो इस साल हमने लॉन्च किया है वो है ये योजना कार्ड, जिसके अंदर ये QR कोड है। तो जो आपने ये इन्फॉर्मेशन देखी, आप इसको या तो अगर आपके पास स्मार्टफोन है तो आप खुद स्कैन कर सकते हैं OTP थ्रू। अगर आपके पास नहीं है तो वो हक दर्शक सेंटर पे, जो हमारे 50 से ज्यादा सेंटर्स हैं, हक दर्शक के पास आके कर सकते हैं। आप अपनी सारी गवर्नमेंट स्कीम्स चेक कर सकते हैं। आप बाद में अपना अगर कोई एप्लीकेशन सपोर्ट चाहिए तो आप बुक का हक दर्शक भी कर सकते हैं। ज्योति जी, आपने कहा कि 1 लाख लोगों को आपने मदद की, कितने पैसे दिलाए आपने 1 लाख लोगों को पिछले 3 साल? एवरेज 5-6 हजार रुपया पर फैमिली मंथ। 50 करोड़ रुपए 50 करोड़ 3 साल में। और चलो मान लेते हैं कि उसमें से 50% अपने आप कर ही लेते अगर आप नहीं रहते, फिर भी तो फिर भी इतनी फैमिलीज को 25-30 करोड़ रुपया दिलाना मतलब उनकी जिंदगी संवारना होता है।
तो ज्योति जी, आप अपने एरिया में तो पॉपुलर हो गए होगे बहुत। मैं खुद एक ट्राइबल घर से हूँ, तो मैं वहीं पे रहती हूँ। इलेक्शन इलेक्शन लड़ रहे हो? सोच रहे। अरे वाह, वेरी गुड। चलो, वेल डन ज्योति, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। थैंक यू। अनिकेत, मेरे को ये बताओ, कंपनी में कितने लोग हैं आपके साथ? टोटल फुल टाइम 200 लोग। 200 एजेंट मिला के? एजेंट्स तो 3000 एक्टिव हैं, 25000 हम ट्रेन कर चुके हैं, 150 पार्ट टाइम लोग हैं, क्योंकि हेवी ऑपरेशंस का। और शेयर होल्डिंग कितनी है आपके पास? मेरे पास खुद की 34%, बाकी आपने डाइल्यूट कर दी राउंड। बाकी मेरे जो टीम के पास 30 है। टीम के पास 30, वेरी गुड यार। इन्वेस्टर्स के पास 30%। और ये कब उठाई थी फंडिंग? 2016 मई में हमने 1.25 करोड़ की एंजल फंडिंग दी, 10 करोड़ की वैल्यूएशन में। और उसके बाद अभी जस्ट कोविड से पहले 2020 उठाई थी ये 30 करोड़। कितना लिया था आपने उस टाइम? लिया था 6.6 करोड़। तो ये 90 करोड़ लोगों को मदद करने के लिए कितना पैसा जाएगा? अभी हमारा जो ये करंट राउंड हम ओवरऑल रेस कर रहे हैं, इसमें 25 से 26 करोड़ रुपए रेस करना चाहते हैं। ओह ओके, दिस इज पार्ट ऑफ अ बिगर राउंड, बट नॉट वैल्यूएशन डिसाइड नहीं हुआ है। वैल्यूएशन हां, अभी वी आर कीपिंग इट। तो यहां पे होगी वैल्यूएशन। आपकी टीम में कौन-कौन है? मेरी ऑल वुमेन सीएक्सओ टीम है। ऑल वुमेन सीएक्सओ, ऑल वुमेन सीएक्सओ। And आपकी एजेंट्स भी मोस्टली वुमेन होंगी? और 90% वुमेन। Why did you decide to do that? मैंने बहुत ही ट्रांसपेरेंट ऑनेस्ट हायरिंग करी है, एंड आई जेन्युइनली फाउंड ग्रेट पीपल। दैट्स ट्रू, नो आई टोटली अग्री विद यू, आई हैव एक्सपीरियंस द सेम लेटली। हमारे तीन इंटरनेशनल कंट्रीज में ऑपरेशन है, तीनों कंट्रीज की हेड्स अब वुमेन है। अनिकेत, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रेवेन्यू मॉडल बताइए। तो हमारा जो पूरा मॉडल है वो B2B मॉडल। हमने 17-18 से कॉर्पोरेट्स के पास जाना शुरू किया, जिनको अपने कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, फैक्ट्री वर्कर्स, उन सबके लिए गवर्नमेंट स्कीम चाहिए। गवर्नमेंट का सोशल सिक्योरिटी कोड आ रहा है, अब ESG आ गया है, आपको अपने एम्प्लॉइज के लिए नहीं, अपनी पूरी सप्लाई चेन के लिए गवर्नमेंट स्कीम्स देनी पड़ेगी। तो वहां से लेकर अब हम 110 से ज्यादा कॉर्पोरेट्स के साथ काम कर चुके हैं, वो हमें कॉन्ट्रैक्ट्स देते हैं। कितना चार्ज करते हैं, कैसे चार्ज करते हैं कॉर्पोरेट्स को, किस बेसिस पे चार्ज करते हैं? पर सर्विस फीस और पर पर्सन इट्स अराउंड 500 रुपए के करीब करते हैं पर ईयर, पर पर्सन, इसमें दो सर्विसेज देते हैं। 110 कॉर्पोरेट्स कितने एम्प्लॉइज को रिप्रेजेंट करता है? टोटल रफली 10 मिलियन के करीब, 1 करोड़। अच्छा, सेल्स ही बता दीजिए ना। हमारा मार्जिन काफी कम है, पर 2021 तक हम प्रॉफिटेबल थे। 22 जो इस साल हमारा 15.5 करोड़ का रेवेन्यू किया था, यही एक हमारा साल था जिसमें हमने लॉस किया है, पर वो इसलिए क्योंकि 4 महीने हमारे ऑपरेशंस बंद थे कोविड की वजह से। और इस साल क्या प्रोजेक्ट कर रहे हैं आप? इस साल हम डबल करेंगे 30 करोड़ मार्च। भाई, ये धंधे में पैसे बनाओगे कैसे आप? इतना हैवी ऑपरेशंस काम है और एक आदमी के पीछे आपको 500 रुपया लगता है, बनता है? कॉर्पोरेट में जाना, बिजनेस लाना, फिर लोगों को एम्प्लॉय लगाना, उसके पीछे इम्पॉसिबल टू मेक मार्जिन 20 तक। आई थिंक ये हाई वॉल्यूम लो मार्जिन बिजनेस है। पर 500 रुपए में आपको कितना मार्जिन बचता है आफ्टर कॉस्टिंग फॉर पीपल गोइंग, जाना, खर्चा? अभी हमारा एबिटा मार्जिन करीब सारा कुछ हटा के 7%। 1000? 500 में तो कुछ नहीं बचा, क्योंकि आदमी की तो कॉस्ट उतनी लगी। करेक्ट। तो 30 करोड़ में कुछ एबिटा बनेगा इस साल? 30 करोड़ में हम अगेन 3-4% पे ही आ पाएंगे, क्योंकि हम पिछले साल के अभी लॉस को। और किस स्केल पे आके आपके हिसाब से बेटा बनेगा बिजनेस में? मेरा 2024-25 में गोल है हम 110 करोड़ तक का टॉप लाइन करेंगे, वहां पे जाके हम करीब करीब 7-8-10 करोड़ रुपए बचा पाएंगे। तो आप 200 करोड़ की वैल्यूएशन क्यों लेके आए हो? एक तो मतलब हमने बिल्कुल एक रेवेन्यू मल्टीपल। भाई, लेकिन रेवेन्यू मल्टीपल पता है कौन सी बिजनेसेस में होता है? जहां पे ग्रॉस मार्जिन होता है 70%-80%। इस बिजनेस में जहां पे मार्जिन हमेशा ही कम रहेगा, ये तो आप मानते ही, रेवेन्यू मल्टीपल बहुत मुश्किल। 25 लाख लोगों को मैंने एक सर्विस दी, 40 तो मुझे उनको गवर्नमेंट स्कीम्स ही देनी है, उसके अलावा मैं उनको प्राइवेट स्कॉलरशिप, प्राइवेट लोन, इंश्योरेंस फैसिलिटेट करवा सकता हूं, तो वो टैप नहीं किया। आपका डेटा जो होगा ना बॉस, वो आपका गोल्ड माइन है, क्योंकि ऐसा डेटा ढूंढना बड़ा टफ है। लास्ट माइल नेटवर्क एंड डेटा आपका गोल्ड माइन आपके पास। अनिकेत, आपकी क्या एज है अभी? 33। आपने 33 इयर्स में ये खड़ा कर दिया है पूरा, मतलब इनक्रेडिबल है। और इस यूनिक प्रॉब्लम को ढूंढ के आप में करेज कैसे आया कि मैं इसी को परस्यू करता रहूं? बिकॉज इट्स नॉट इजी टू रेज मनी इन अ फील्ड लाइक दिस। ओवर मैच्योर लग रहे हो मुझे आप अपनी एज से, मतलब। नहीं, आई थिंक शुरू में ही बहुत फेलियर देख लिए थे, खासकर 2020 और 21 में हमें इतने इन्वेस्टर्स ने बोला तुम बस अपना एंगल फिनटेक बना दो, तुम एडटेक बन जाओ, तुम बोलोगे तुम स्कीम एजुकेशन करते हो या तुम लोगों को लोन दिलाते हो। हमारा गोल है अगले 10 साल सबसे बड़ी सोशल सिक्योरिटी कंपनी बनना इंडिया। जो ये एक्सपीरियंस जो 90 करोड़ लोगों को है, जो आप और मुझे पासपोर्ट का मिलता है, जो मुझे वीजा का मिलता है, जब आप वहां जाते हो तो आपको बोलता है सर आपकी अपॉइंटमेंट आ गई,
जब एक गरीब आदमी एक पेंशन देने के लिए ऑफिसर के पास जाता है तो हाथ जोड़ के जाता है, मेरी खुद की पेंशन मुझे दे दो, तो क्या वो हम यूजर बिहेवियर चेंज कर सकते हैं? क्योंकि अभी तो हमने वो अनलॉक ही नहीं गई है पोटेंशियल, जब लोग 15-15, 20-20 रुपए पेंशन में डिपॉजिट करने लगे। नहीं तो आपको जैसे किसी ने बोला वीसी ने कि आप फिनटेक या एडटेक की तरफ चले जाओ, जाना चाहिए नहीं जाने का मन? नहीं, बहुत सोचा टीम के साथ, सोचा इन्वेस्टर्स के साथ सोचा, क्योंकि पर उसके बाद मुझे यही लगा कि फिर हम लोन्स देने लग जाएंगे। तो प्रॉब्लम क्या है? इंसेंटिव बदल जाएगी, बट आपका बर्न तो कम हो जाएगा ना, फिर उससे थोड़ा अर्न शुरू हो जाएगा, पर ये बिजनेस ऑलमोस्ट बंद हो जाएगा। उसका रीजन ये है कि आज जब ज्योति जाती है कम्युनिटी में तो उनको पता है ये मुझे कुछ दे रही है, जैसे ही मैं लोन की कलेक्शन करने लगूंगा। ट्रस्ट, ट्रस्ट बहुत जरूरी है। हमारा अभी तक तो ये बिल्कुल क्लियर विजन है कि हम खुद नहीं करना चाहते, तो फैसिलिटेट तो कर सकते हैं। बिल्कुल, इंफॉर्मेशन के साथ फैसिलिटेट करेंगे। अनिकेत, यू हैव अ लॉट ऑफ क्लैरिटी, तो आई थिंक कि आप कुछ बड़ा करोगे यार, तो मैं आपको 1 करोड़ रुपए देता हूँ। 1 करोड़ 2% इज माई ऑफर। मुझे क्या लगता है कि जितना जरूरी काम ये है उतना ही मुश्किल है। या तो गवर्नमेंट इसको ईजी करती रहेगी, जैसे आज पैन कार्ड है बहुत आसान है, तो जैसे जैसे ये जरूरी चीजें हैं ये इजी करती रहेगी, वो जो बचेंगी लॉन्ग टेल स्कीम्स, उसके लिए मुझे लगता है गवर्नमेंट विल अपॉइंट एजेंट्स और उसी के थ्रू ये बड़ा होगा, और गवर्नमेंट से डिस्ट्रीब्यूशन एक्सक्लूसिव तभी मिलेगा तब आप L1 प्रोवाइडर होंगे। L1 प्रोवाइडर मतलब लोएस्ट मार्जिन प्रोवाइडर। तो आई थिंक यू विल ऑलवेज बी चैलेंज्ड एज फार एज मार्जिन इज कंसर्न्ड, लेकिन फ्रॉम एन इम्पैक्ट परस्पेक्टिव ये अच्छा काम है। पीयूष ने आपको एक अच्छा ऑफर दिया है, मैं समझता हूँ वैल्यूएशन के हिसाब से आई कैन नॉट मैच दैट। विश यू द बेस्ट। अनिकेत, इनक्रेडिबल स्टोरी, वेरी इंस्पिरेशनल। एज अ बिजनेस ये जो 50 करोड़ की वैल्यूएशन पीयूष ने दी है उसको बियॉन्ड दैट भी 100-150 करोड़ के बियॉन्ड मुश्किल होगा जाना, क्योंकि यहाँ एक टेक मोट नहीं है, यहाँ पे मोट आपकी एजेंट्स एंड आपकी सर्विस की है। तो आज इससे मैं आउट होना चाहूँगी। अमन और मैं एक ऑफर देना चाहेंगे। ये एक ऐसा बिजनेस बन सकता है जो ग्रास रूट लेवल पे काफ़ी सारी इसके क्रॉस सेलिंग हो सकते हैं, तो दैट इज़ वेरी अट्रैक्टिव। तो हम पीयूष का ऑफर मैच करेंगे, लेकिन डेट और इक्विटी कंपोनेंट के साथ। तो अमन और मैं आना चाहेंगे 50 लाख फॉर 1% इक्विटी, जो 50 करोड़ वैल्यूएशन हो गया, एंड 50 लाख डेट एट 10% इंटरेस्ट रेट। ऑलराइट, यू हैव 2 ऑफर्स सर। तो मेरा एक काउंटर ऑफर। किसको? आप तीनों के लिए। आ रहे हो साथ आने के लिए? अगर आप तीनों 33 लाख पे आते 1 करोड़ रुपए, तो मैं आप तीनों को 0.5% इक्विटी दूं। तो यार 2 ही दे दो, तीनों आ जाते हैं। 2% से नीचे नहीं जाएंगे। All right, decision time, buddy. Let's do it, bro. आप तो दिल की सुनते हैं, मैच्योर आदमी है, 50 करोड़ सर्विसेज बिजनेस में बहुत है वैल्यूएशन। I'll take your offer, sir. All right, good one. बहुत अच्छा काम कर रहे हो यार, भगवान का काम है। Good luck. It's a good, good. Impact and sales साथ में कभी आते नहीं है। हाँ जाओ, ध्यान से डालना, ये bounce हो जाते हैं मेरे checks. चलो, good job अनिकेत, very well done. Congratulations. For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.